एवरी वन, वेलकम टू स्टॉक टेक्नोलॉजी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था कैसे आर्यभट्ट गणित चैलेंज के सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना है और कैसे उनके टेस्ट को देना है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि उनके सर्टिफिकेट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, और डाउनलोड हो भी रहे हैं तो वो ब्लैंक डाउनलोड हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपके सर्टिफिकेट ब्लैंक क्यों डाउनलोड हो रहे हैं। अगर आपने देखिए, अगर आपने इन सारे टेस्ट को दिया होगा तभी आपके सर्टिफिकेट्स डाउनलोड होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, ये 100% पूरा प्रोसेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर जीरो दिख रहा है। ये जो नीचे में ये जो कोर्सेस है ये सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 100% हो जाएगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है कि सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है बहुत बच्चों को। मैं आपको बता दूँ सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आपका मॉड्यूल सारा कम्प्लीट है, सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल रहा है। देखिए, ये CBSE का लेटर इशू किया हुआ है, जो कि और इस कंपटीशन को CBSE ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। तो CBSE ने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू होगा, लेकिन 14 डेज़ के बाद होगा। जैसे कि आज मैंने कंपटीशन में मतलब पार्टिसिपेट किया और उसका पूरा किया, तो ये दीक्षा तो ये मुझे 14 डेज़ के बाद ही मिलेगा सर्टिफिकेट। तो ये आपको देखिए 14 डेज़ के बाद आपको कहाँ मिलेगा, आपको दीक्षा ऐप प्लेटफॉर्म पर ही मिलेगा, अगर आपका 100% कम्प्लीट है कोर्स तो। और आपके प्रोफाइल हमेशा अपडेट होना चाहिए और आपका ऐप भी अपडेट होना चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात। देखिए, ये प्रोफाइल वाले सेक्शन में ही आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, दिखाता हूँ। देखिए, इस टाइप के सर्टिफिकेट्स मिलेगा आपको। और वन मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक, और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से भी जाकर उस वीडियोस को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे उन टेस्ट को देना है। एक और मैं बात बता देता हूं आपको, अगर आप लॉगिन करते हैं इसमें, अगर आपके मोबाइल में आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी है या किसी और की ईमेल आईडी है, तो अगर आप उनके ईमेल आईडी को यूज़ करते हैं तो उनका नाम आएगा सर्टिफिकेट्स पे, इसलिए आप अपना ईमेल आईडी यूज़ करें। अब तो आप इतने बड़े होंगे कि आप खुद अपना एक ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो आप अगर उनके ईमेल आईडी को यूज़ करेंगे तो उनका नाम आएगा, इसलिए आप अपना ईमेल आईडी यूज़ करिए, तब आपका सर्टिफिकेट्स पे आपका नाम आएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था इसलिए मैंने ये आपको ये बता दिया, यही है इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके टीचर और मतलब स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए, तो आप इस लेटर को आप स्कूल में जमा कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस लेटर को डाउनलोड करके अपने टीचर्स को बता सकते हैं कि ये 14 डेज़ के अंडर ही ये सर्टिफिकेट्स आएंगे। यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप अपने टीचर्स को ये भेज सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके टीचर को सेंड कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।